बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यादव वोट बैंक की राजनीति तेज हो गई है। और एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लालू यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे और मामला उनकी पत्नी राबड़ी देवी को लेकर था। यह कहा गया नित्यानंद राय की ओर से कि क्या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनाने के योग्य थी जब लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बनाया था। और केंद्रीय मंत्री ने आरोपों के तहत ये भी कहा कि उन्होंने यदुवंशियों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो केंद्रीय मंत्री के इन आरोपों पर नेहा देखिए लालू यादव ने भी चुटकी ली। उन्होंने बीजेपी और केंद्रीय मंत्री पर पहले हमला बोला, फिर राबड़ी को सीएम बनाने वाले आरोपों को लेकर नित्यानंद पर तंज भी कसा। हाजीपुर में ये जो केंद्रीय राज्य मंत्री जो बना है, ये पहले हमारे यहाँ अप्रोच करता था आने के लिए। बीजेपी ने इसको बनाया था कि इसको मुख्यमंत्री बनाना है, जादू में मुख्यमंत्री बनाना है। अभी तक बोलता देखा हमने कि लालू यादव राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी को नहीं बना देते तो तुम्हारे बीबी को बना देते। राबड़ी देवी नहीं होती तो आज राष्ट्रीय जनता दल हमारी सरकार नीतीश के और तेजस्वी यादव के और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं होती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद विवादों के घेरे में हैं और उन्होंने कल इस्कॉन मंदिर में जो बयान दिया नित्यानंद राय की पत्नी के बारे में, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। क्या कहेंगे सर? मैं तो यह कहा था कि आप बिहार के किसी यादव को या किसी पार्टी के नेता को बना देते। राबड़ी जी से बहुत योग लोग उसमें थे, लेकिन आप अपनी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी जी को बना दिए, किसी को बना देते तो उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह से हल्की बात करेंगे और मजाक उड़ाते हुए कहें कि मैं राबड़ी को नहीं बनाता तो क्या मैं नित्यानंद की बीबी को बना देता। लालू जी, आप से मैं यही आग्रह अभी भी करूंगा कि आप उप मुख्यमंत्री आपकी पार्टी को मिला है, आप किसी भी ग्वाला ग्वालिन गरीब के बेटे बेटी को या किसी को भी आप उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। अभी भी परिवारवाद से बाहर निकलिए। आपको अगर हिम्मत है तो अभी भी किसी अपनी ही पार्टी के किसी गरीब नेता की बीबी जो गरीब ग्वालिन होगी उसको आप बना दीजिए, अगर आपको हिम्मत है तो।